यहाँ बीएसएनएल का भैया जो है काउंटर लगाए हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बीएसएनएल के और पोर्ट कराते जा रहे हैं, न्यू सिम लेते जा रहे हैं, क्योंकि ऑफर ये इतना ना ये है कि अंबानी के घर में शादी हो रही है उनके छोटे बेटे के, अनंत अंबानी के, तो इस बेसिस पे उन्होंने रिचार्ज बढ़ा दिया है। नहीं अब इसके वजह से तो सर मैं कुछ बता नहीं सकता, बाकी देखिए ये सब उन लोगों का एक स्कीम है, क्या करते हैं क्या नहीं, पहले आदत डलाते हैं लोगों को, उसके बाद धीरे धीरे आदत के बाद वो लोग अब बढ़ाना स्टार्ट करने हैं। रिचार्ज बहुत महंगा हो गया है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि बच्चे हैं अभी, और जाहिर सी बात है अगर ऐसे रिचार्ज बढ़ता रहेगा तो आदमी क्या करेगा, कम से कम सरकारी सिम क्या रीजन है आप बीएसएनएल का सिम ले रहे हैं? बिकॉज भैया बीएसएनएल का जो सिम है भैया इसका प्लान बहुत सस्ते में है, लंबे दिन तक है, और बाकी जो एयरटेल वगैरह और जियो वगैरह भी आई का है ये तो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर दिग्विजय नाथ चौक पर, और इधर जो गली जाती है वो जो है इंदिरा बाल विहार। तो यहाँ पर हमें एक बोर्ड दिख गया है बीएसएनएल का, और इस समय बीएसएनएल इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, क्योंकि जियो एयरटेल वीआई सब ने अपना रेट बढ़ा दिया है और सबसे आगे निकल गया है तो वो है बीएसएनएल। ठीक है, तो मैं आपको इसका प्लान दिखा देता हूँ फटाफट से। ये देखिए 99 रुपए का सिम मिल रहा है, मात्र 99 रुपए का, वो भी 45 दिन के लिए, जिसमें आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं पर डे 2 GB डेटा मिल रहा है, 45 दिन का अनलिमिटेड कॉलिंग है, बाकी सब चीज है। और मैं आपको सबसे पहले तो इसकी सेलिंग दिखाता हूँ, कितना ज्यादा भीड़ है ये देखिए। तो बीएसएनएल का सिम जो है फटाफट धड़ाधड़ एकदम खटाखट बिकते जा रहा है, आप देखिए भीड़ देखिए, एक एक दिन में जो है 100-100, 200-200 सिम, बहुत ज्यादा सिम बिक रहा है। तो आज मैं भी एक बीएसएनएल का सिम लूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे इसको अगर पोर्ट्रेट भी कराना है, पोर्ट कराना है बीएसएनएल में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी वीडियो में बने रहिए, तब भैया से बात करते हैं अभी। वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो चुका है, तो हम तो कुछ पूछेंगे अल्टरनेट नंबर में। तो मेरा फोटो भी यहाँ पे क्लिक हो चुका है वेरिफिकेशन के लिए, अब यहाँ से हमारा क्या प्रोसेस बाकी है? बस आपका डिटेल्स भरना है, एड्रेस, डिटेल भरना है, एड्रेस भरना है। हाँ जी, एड्रेस तो कुछ आ चुका है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन कुछ करना भरना पड़ता है। अच्छा, मैनुअली मैनुअली। तो गाइज आपको हम भैया से मिलवाते हैं और आपको पूरे प्लान की जानकारी देते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप फ्रंट में आ जाइए, इधर आइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया जो है फटाफट जो है सिम एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं, और ये देखिए कितने ढेर सारे सिम लिए हुए हैं। तो भैया क्या कर रहे हैं इस समय आप? भैया देख रहे हैं नंबर। अच्छा, नंबर चॉइस कर रहे हैं भैया, नंबर चॉइस कर रहे हैं। तो आइए हम जो भैया सेल कर रहे हैं उनसे मिलवाते हैं। भैया प्लान के बारे में बताइए कुछ। क्या भैया प्लान कौन सा? बीएसएनएल का इस समय क्या प्लान चल रहा है, कितने का सिम बिक रहा है? 100 रुपए में आपको पैराइज निकल रिचार्ज दिया जा रहा है। अच्छा, उसमें 2 GB पर डे है, 100 SMS अनलिमिटेड कॉल है। और कितने दिनों के लिए है? 45 दिन के लिए फ्री है, मतलब 100 रुपए में 45 दिन के लिए। 45 दिन के देख सकते हैं ये जियो एयरटेल और वी वोडाफोन आइडिया सबको ये फेल किए हुए हैं बीएसएनएल वाले। और सिम भैया एक दिन में कितना सिम बिक जा रहा है? 60-70 चला जा रहा है। तो भैया का कहना है एक दिन में 60-70 सिम जो है बिक जा रहा है। तो आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर जो है सभी लोग बीएसएनएल में ही पोर्ट करा रहे हैं। आप क्या करने आए हैं? सिम पोर्ट कराने। सिम पोर्ट कराने। और आपका सिम कौन सा था? जियो। देखिए भाई जियो से बीएसएनएल में जा रहे हैं भैया, आप लोग बताइए। नया सिम ले रहे हैं, कैमरे में देख के बताइए। नया सिम ले रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों ले रहे हैं? तो जियो और रिचार्ज महंगा हो गया। देख सकते हैं गाइस जियो सबका रिचार्ज इतना महंगा हो गया है, भैया से भी जान लेते हैं। भैया बताइए कुछ। जी सर, मैं भी नया यहाँ सिम लेने आया हूँ, रिचार्ज बहुत महंगा हो गया है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि बच्चे हैं अभी, और जाहिर सी बात है अगर ऐसे रिचार्ज बढ़ता रहेगा तो आदमी क्या करेगा, कम से कम सरकारी सिम लेगा। और ये जियो बीएसएनएल है तो शानदार है, हाँ अभी इसका सर्विस सही नहीं है, बट ये आगे चल के जैसे 15-25 तक बहुत शानदार सर्विस है अदर नेटवर्क से। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि अंबानी के घर में शादी हो रही है उनके छोटे बेटे के, अनंत अंबानी के, तो इस बेसिस पे उन्होंने रिचार्ज बढ़ा दिया है। नहीं अब इसके वजह से तो सर मैं कुछ बता नहीं सकता, बाकी देखिए ये सब उन लोगों का एक स्कीम है, क्या करते हैं क्या नहीं, पहले आदत डलाते हैं लोगों को, उसके बाद धीरे धीरे आदत के बाद वो लोग अब बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। आगे कहां तक जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं, अगर हम पोर्ट नहीं करेंगे अपने आप को
तो कहीं ना कहीं हम लोग का पैसा लॉस होता जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं सभी लोग जो है बीएसएनएल का सिम ले रहे हैं और भीड़ देखिए लगातार भीड़ पड़ता जा रहा है। और इस समय मैं अपने लोकेशन की बात बताऊं तो दिग्विजय नाथ के ठीक सामने हूं, दिग्विजय नाथ कॉलेज इधर है ठीक है, और ठीक मेरे पीछे इंदिरा बाल विहार है। इस रोड पर जो है यहाँ बीएसएनएल का भैया जो है काउंटर लगाए हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बीएसएनएल के और पोर्ट कराते जा रहे हैं, न्यू सिम लेते जा रहे हैं क्योंकि ऑफर ही इतना अच्छा चल रहा है 100 दिन में, मतलब 100 रुपए में 45 दिन तक, मतलब ऐसा तो कोई ऑफर नहीं है ना एयरटेल का ना जियो का ना वी का। और भीड़ देखिए काफी ज्यादा है। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। तो भैया नया सिम ले रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा मैन थोड़ा सा इधर आइए। न्यू क्या आखिर क्या रीजन है आप बीएसएनएल का सिम ले रहे हैं? बिकॉज भैया बीएसएनएल का जो सिम है भैया इसका प्लान बहुत सस्ते में है, लंबे दिन तक है, और बाकी जो एयरटेल वगैरह और जियो वगैरह भी आई का है ये तो सबका मतलब आसमान छू रहा है, महंगाई जो है आसमान छू रहा है, रिचार्ज बहुत ऐसे हाई हो गया है, पूरा सिम बंद करना पड़ जाएगा। अच्छा तो गाइस देख सकते हैं तो सभी लोग जो है बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो फिर से मैं आऊंगा, फिर से एक वीडियो शूट करूंगा नए लोकेशन पर। तब तक के लिए यही वीडियो एंड करते हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।